हम बताते हैं तुमको, हम बताते हैं तुमको, हम बता रहे हैं बाप बेटे का रिश्ता भूल जाएंगे, मारेंगे। देख रही है अपने कपूत का लक्षण? अरे ससुर तूने फर्क छोड़ा ही कहा है? तुम भी चुप हो जाओ ना। अरे तोड़ जा, मैं समझूंगा ससुर तू मेरे लिए मर गया, मेरी एक ही औलाद है। अरे कही औलाद है तुम्हारी? अगर हम भी मर गए ना, कोई क्रियाक्रम करने के लिए बच्चा नहीं रहेगा, वो लौंडा तो तुम्हारा खत्म ही है। टाटा फिर माने बोलिए, तो बड़ा होशियार है, सारे जवाब फटाफट दे रहा है। चल एक सवाल का और जवाब दे, 415 जमा 516 जमा 653 कितने हुए? 1584। अरे वाह, इसको सब पता है, क्या बात है। अब हम पूछते हैं। मैना और तोता और गधा और नेपोलियन, नेपोलियन, अरे चले रे मारेंगे साला, चले रे। अरे नेपोलियन बहुत बड़ा बवाल हो गया भैया, तेरा बापू और सिकंदर ना फिर से लड़ रहे हैं, हमें लग रहा कोनो मर जाएगा आज। चलो शांत करवा दिए, शांत। अरे तू बंद कर ये ड्रामा, पूरे घर का सीटी बजा के रखा हुआ है। एक बात हम सबको बता देते हैं, जब तक इस घर में बंटवारा नहीं होगा, झगड़ा फसाद चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ तो रहिए ना, तुम्हें नहीं चाहिए कोई बंटवारा, नहीं चाहिए तुमको। अरे तुमको देख कौन रहा है? नहीं चाहिए तो भगवान से। हम सिर्फ तुम्हारी बीवी ना है, इस घर की बहू भी है, नेपोलियन की भाभी हूँ मैं, हम किसी भी कीमत पे ये घर टूटने नहीं देंगे। हमको नहीं समझा कुछ, अपने आप समझ लो कि जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता, झगड़ा झंझट चलता रहेगा। मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। वैसे चाचा हम एक बात बताएं, नहीं बुरा मत मानिए, पर आपके घर में ना एक एक समझदार इंसान है, और वो है चंद्रमुखी भाभी। अगर हमारी बात मानिएगा ना, तो अपनी सारी जमीन जायदाद ना भाभी के नाम करा दीजिए, और फिर देखिए कैसे गोंद की तरह ना पूरे घर को जोड़ के रखती, कैसी लगी हमारी बात है? कहिए कहिए। का कुछ गलत बोल दिए का? चलिए बाद में आते हैं फिर, है? अरे वो जायदाद के पेपर देख रहा हूँ, कल कोर्ट जाना है ना। कोर्ट का है? अरे वो सुनील भले ही बाहर को लड़का है, लेकिन बात बहुत पते की करूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ये जायदाद चंद्रमुखी के नाम कर दूँ। चंद्रमुखी के नाम? हाँ, क्योंकि वो ही है एक जो हमारे बाद में इस घर को जोड़ के रख सके। सिकंदर पे तो मुझे एक पैसा को भरोसा ना है। सर सिकंदर की चिंता ना है हमें, ये चिंता है तो हमें नेपोलियन की, जो बेचारा ढंग से अपने कपड़े भी ना पहन सके, कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया उसका, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम कह रहे हैं उसको एक बार और कहीं दिखा देते हैं। बा को कचूना ऐसा कहे, कितना इलाज करवाऊं और कितना इलाज करवा चुका हूँ, सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक निकम्मा और एक बेवकूफ। मुझे तो बस एक ही पे भरोसा है, और वो है चंद्रमुखी। मैं ये जायदाद चंद्रमुखी के नाम ही करूंगा बस। अरे कल को उसका दिमाग फिर गया तो? अरे कोई दिमाग ना फिरे, मैं एक बार बोल चुका हूँ कि ये जायदाद मैं चंद्रमुखी के नाम करूंगा, समझी? क्या सोच रही हो भाभी? हमको पूरे पूरे ख्याल आ रहे हैं, देखिएगा ये बाप बेटा दोनों में से कोई एक दूसरे को मार देगा,
तू अच्छा हुआ आ जा पागे, नहीं तो दोनों में से किसी एक का कत्ल हो जाता। कत्ल तो होगा, कत्ल तो होगा, कोई तो मरेगा। इका क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको पता है बाबा ने आपके नाम जायदाद करने का फैसला लिया है। अब तो युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, युद्ध होगा। सिकंदर सही कहता है, जब तक इस घर से कोई मरेगा नहीं ना, तब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी, तब तक ये लड़ाई नहीं खत्म होगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी इस घर। अब इनविटेशन लगेगा उतरने के लिए, उतरो। अरे उतरो नहीं तो गिरा देंगे, बता रहे हैं। अच्छा उतरते हैं। भाई एक बात बताइए, इतना मजबूत रस्सी क्यों लिए? फांसी लगा के मरने का इरादा? अरे लूल हो गए हो क्या? पकड़ा गए हो क्या? मैं तुम्हारे गले में बांध के लटका देंगे तुम्हें, समझे? भैया बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अरे बताते हैं ना, अरे वो भैंसिया को बांधने के लिए लाए। अरे चच्चा कहां से आ रही सवारी? अरे बेटा तुमने सुझाया था ना कि चंद्रमुखी के नाम कर दो जायदाद, तो कर दी हमने उसके नाम। अरे क्या बात है चच्चा, बहुत है बढ़िया। चिल्ला रहे हो बे? अरे सिकंदर भैया एक कस्सी पस्सी छोड़ो, अरे तुमरे बहुत बड़ी खबर लाए हैं। अपना खबर अपना खेत में गाड़ के आओ,
तुम्हारी तरह खलियर नहीं है, बहुत काम है हमको, काम करने दो। वैसे इस जमीन पर ना तुम्हारा आज आखिरी दिन है काम काज करने का, कर लियो। इस सारी जमीन जायदाद ना तुम्हारे बाबूजी ने चंद्रमुखी भाभी के नाम कर दी है। गाओ? मेरे बाप को ब्रह्म ज्ञान तुम्हें ही दिए थे ना। बता रहे हमसे कायदे में बात कर ले, हाथ उठा रहे हो, हमारा भी हाथ उठ जाएगा, भूल जाएंगे दोस्ती सारी। बात करते हैं। और मेरी बात सुनो, तुम्हारी बीबी के नाम जायदाद हुई तो भैया तुम्हारे तो नाम हुई। मतलब हमारी बीबी होगी तो गारंटी होगा कि हमारी रहेगी बे। हाँ, पराई औरत पराई रहेगी, एक दिन मरेगी, हम बता रहे। मरो, अरे सारे आपस में लड़कर ही मरो। लक्षण रहे ना तो कोनो बाहर वाला ही काम कर जाए। बाबा ने सारी जान दावे के नाम कर दी, बाबा ने सारी जान दावे के नाम कर दी। इशारा तो फैला करके रखे हो, इस सारा जमीन जायदाद हमारी बीबी के नाम काय कर दिए हो, क्या सोच के किए हो? सुन, मेरी जमीन है, किसके भी नाम करूं मेरी मर्जी। अरे ससुर भी के तो एक का है, हमसे का है। अरे हमारी बीबी है, लौंडे हम तुम्हारे। ये जमीन जायदाद हमारे नाम न करके किसके नाम कर रहे हो, क्या सोच कर रहे हो, क्या चक्कर है? क्या चक्कर है तू ही बता। अब चक्कर भी हम ही बताएं। वाह वाह वाह, चक्कर ही है कि हमारी बीबी के साथ चक्कर चल रहा है आपका, विदोष के ऊपर। अरे ससुरी के, तू लालचन लगाने से पहले मर क्यों नहीं गया? आ गया मुंह पे सच्चाई। यही चाहते हो कि मर जाए हम? हम मर जाए और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाबूजी मेरे पिताजी के समान है, शरम नहीं आता ये सब बात करते हुए। वाह 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 वाह, शरम की देवी, बहुत अच्छे। तुमको करते हुए शरम नहीं आ रहा है, हमको बोलते हुए शरम आ जाएगा। क्या बकवास किया जा रहा है तू? माँ हम बकवास नहीं कर रहे हैं, बकवासी औरत कर रही है, बकवासी औरत भी कर रहे हैं। इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे 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 जा 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 जा। कोई बता सकता है इन्होंने खुदकुशी क्यों किया? वो कहा है इंस्पेक्टर साहब के कुछ दिनों से घर में कलह चल रहा था। झूठ बोल रहा है, इसने मेरे बाबूजी को मारा। ये हमेशा कहता था बाबूजी को मारते हैं, इसने मारा। अरे अम्मा चुप का नहीं करा रही इसको, हम बात कर रहे हैं ना इनसे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसने मारा, इसने मारा बाबूजी को, इसने मारा। चुप कर, नाक खराब करके रख रखा। हम कह रहे हैं बाबूजी ने खुशी किया हुआ है, आपको तो पता ही है। वो तो हम पता लगा ही ले कि किसने का किया है, लेके चलो इसे। अरे फिर कैसा बात करे? अरे हमारे बाबूजी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अरे हमने कुछ नहीं किया भाई, कमाल करो यार, हमको कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? Thank you.
परिवार में जिस दिन भी जमीन जायदाद को लेकर विवाद उपजा, उसी दिन से रिश्ते खोखले होने लगते हैं। फिर भाई भाई का दुश्मन और बेटा बाप का। दरअसल ये अंधा स्वार्थ घर की सुख शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोज रोज की कलह से घर का माहौल तो बद से बदतर होता ही है, कई बार बात खून खराबे तक चली जाती है। जायदाद के लगातार गहराते विवाद में यहां भी एक हत्या हो चुकी है, और हत्यारा परिवार का ही कोई सदस्य है, और कौन ये बड़ा सवाल है। सिकंदर जायदाद के बंटवारे के लिए मरने मारने पर उतारू था, तो क्या उसने ही मौके पर अपने पिता को कुएं में डुबो दिया, या फिर सच कुछ और है? चंद्रमुखी, अब काय सबर करे हैं? अरे सबर करवाने वाले तोहार ससुर जी तो चले गए परलोक। अरे जमीन जायदाद तोहार नाम करके हैं। और तुम्हारे पति वो तो जेल में बंसी बजा रहे हैं। अब बचा कौन? ऊन ठल्ला नेपोलियन और तुम्हार बुढ़ी सास। बस एक दो महीना में ना वो भी टपक जाएंगे। क्या कर रहा है? कौन है? कौन है? अरे नेपोलियन! अरे ये तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे थे? अब वो नेपोलियन वो क्या? अब भैया वो अरे क्या उधर क्या 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 है उधर क्या है वहाँ? अरे हमें पता था तुम क्या कर रहे थे। का 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 मतलब का कर रहे थे? तुम भी वही कर रहे थे ना जो हम कर रहे थे। सुनील भाई डर गए, सुनील भाई डर गए। बीच बाजार में मत मिला करो, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। अरे ये तो हमका ही पता है बस भैया। तो मैं एक बुरी खबर देनी है वैसे। का? तुम्हार बुढ़ी सास और तुम्हारा देवर सिकंदर की जमानत करवा कर ले आए घर पर। कहाँ बक रहे हो? जितना आसान समझ रही थी ना उतना आसान है ना। देखो चंद्रमुखी, बहुत पापड़ बेले हैं तुमको जायदाद नाम करवाने की, और तुम्हारे ससुर की जायदाद तुम्हारे नाम है। और अगर हमारे बीच के रोड़े अब ना हटे ना तो बता रहे। हमको धमकी दे रहे हो ना? एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस समझ लो। जो करना है जल्दी करो वरना बता रहे हमसे मत ना कहें। हाँ तो हम बहुत पहले गए थे डार्लिंग, तुमको पता ही नहीं चला। क्या हुआ? तुम्हारा ही साथी तुमको बताया नहीं? क्या
हम जमानत पर रिहा हो गए हैं। बताया? चलो अब हम तुमको कुछ बताते हैं। आओ आओ चलो। ओ मेरे ये के पुत्ते कैसे आ गए? बाहर के पत्थर कैसे आ गए भाई? भाई तुम कैसे आ गए नीचे? अरे चल के आ गए। किसी ने रुको देखो मैं ट्राई कर देता हूँ। कैसे जा रहा है यार? भाई गंदे लोग साहेब, गंदे लोग। तू मेरी राम प्यारी, तू ही मेरे एहसास है बस। तूने किया? सर आसपास के लोगों से पूछताछ की, इसका नेपोलियन के यहाँ बहुत आना जाना। हम बोल रहे थे आपको, इसका चाल चलन ठीक नहीं, इसको घर से बाहर निकालो। अपने यार को पहले ही फोन करके बता दिए, थोड़ी नहीं लग रहा उसका। हम नहीं मान सकते, तक सुनील खुद आकर नहीं बता देगा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसका बहू का और सुनील का नेपोलियन कौन है? ये सुनील को जानते हो? हाँ, उसी को जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, उसी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए क्या बात हो गया? कल रात रोड एक्सीडेंट में सुनील की मौत हो गई। हमें शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल है, और उस कत्ल में इस रस्सी का इस्तेमाल किया गया। ये रस्सी तो सुनील भैया की है, ये तो आपके खेत में रह गई थी। आपने सुनील भैया को मार दिया? बता रहे हैं, हमारे सामने नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। पहले बाबूजी के मौत तो हमको पता है, आप सुनील के मौत तो हमको बता रहे हो। कायदा से रहो, बता रहे हैं। तुम्हें भाभी पे शक था ना, इसलिए तुमने सुनील भैया को मार दिया ना। तुम सबको मार दोगे, तुम हम सबको मार दोगे। वास्तव में मार देंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। गलत हुआ जो हमने तुमको जमानत पे छोड़ा, लेकिन अब अच्छे से पूछताछ करें। राज लेके चल, आप लोग चलो। तू सब कुछ बस बात है, वो झूठ बोल रहा है। हम कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। बैठाओ इसे, झूठ से गाड़ी में। तुमको छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हम। करो, बता रहे हैं। क्यों रो रही हो भाभी? सुनील मर गया इसलिए, सिकंदर चल चला गया इसलिए। राम शरण को अपनी बहू पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो भरोसा भी खोखला निकला। जो घर जायदाद के विवाद में पहले से ही झुलस रहा था, उसी घर में बहू का अवैध संबंध अब एक और कत्ल की वजह बन रहा है। सिकंदर को अपनी पत्नी और सुनील के नाजायज रिश्ते की भनक लग गई थी। हो सकता है आवेश में आकर उसी ने सुनील को मार डाला हो, लेकिन डर तो चंद्रमुखी के मन में भी था कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। ऐसे में ये डर भी सुनील की हत्या की वजह बन सकता है। लेकिन संदेह की स्थिति सिकंदर के छोटे भाई को लेकर भी बन रही है। वो दिमागी तौर पर संतुलित है, उसके दिमाग का उम्र के साथ कोई तालमेल नहीं है। सुनील की हत्या के बाद उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ रहा है। अपनी भाभी के प्रति उसका यह झुकाव क्या इशारा कर रहा है?
जब तक इस घर में कोई मरेगा नहीं तब तक की लड़ाई खत्म नहीं होगी। सिकंदर की जेल में अब तो तुझे ही समझदार बनना है ना। अगर तू समझदार नहीं बनेगा तो और तेरी भाभी क्या करेंगे? अब तो तुझे ही घर संभालना है ना। हाँ मुझे ही संभालना है, मैं ही सब करूंगा। मैं कहता था ना बाबूजी अगर बहुत लड़ाई करेंगे तो उनका कत्ल हो जाएगा, और भैया भी सुनील के इल्जाम में जेल नहीं जाते। भैया भी जेल नहीं जाते, बाबूजी भी नहीं मरते, बाबूजी भी जीते होते। पायल लाए तुम्हारे लिए, पहन लेना। नहीं पहननी है हमें ये पायल। क्यों? सुनील कहता तब भी नहीं पहन। इस घर में आज के बाद किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हुआ तो फिर से एक कत्ल होगा, और याद रखना अब तो हम सिर्फ तीन ही बचे। इतना भारी लकड़ा ऊपर से गिरेगा तो कोई तो मरेगा ही, ऐसे मारा गया था सुनील। पेड़ पे चढ़ा कौन? सिकंदर ही होगा सर। उससे ठीक से अपने पांव पे चला नहीं जाता फिर वो पेड़ पे कैसे चढ़ेगा? क्यों माँ जी, आपके हिसाब से कौन होगा? सिकंदर के नाम का मंगलसूत्र उतारो और ये मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी भाभी है हम, कभी नहीं पहनेंगे। क्यों? सुनील से शादी करने का तुम सोच सकती हो?
हमसे क्यों नहीं? हम जानते हैं कि सिकंदर तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें हमेशा खुश रखते हैं। चलो चलो चलो, इसके पहले पागल हो गए हो? चलो नहीं पहने, चलो चलो छोड़ दे चंद्रमुखी को। माँ देख तू बीच में मत पड़, वरना मेरे हाथ से एक कत्ल और हो जाएगा। जैसे कि तूने तेरे बाबूजी का कत्ल किया, सुनील का कत्ल किया, इतने सालों तक भोला और मासूम बन के घूम रहा था तू, क्यों क्यों? क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी, आदत पड़ गई थी मुझे तुम्हारे लाड़ की प्यार की, लोगों की। अरे सही तो मैं 10 साल पहले ही हो गया था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई, सब मुझे पागल समझने लगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए? बस एक ढीला कुर्ता और पैंट, मुझे भी जमीन चाहिए, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बारे में किसी ने भी सोचा? कौन सोचे? मैं खुद, मैं बोलो। के लिए तो किसी का कत्ल भी करेगा? मैं करूंगा, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे भी मार दूंगा। चलो, पहले से ही शक था मुझे तुझ पर कि तूने ही अपने बाबूजी का कत्ल किया है और सुनील को भी तूने ही मारा है। मैं नहीं बुलाया था इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ले जाइए इसे। लेके जाओ सर, लेके जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे अपा। अपने भोलेपन की आड़ लेकर एक बेहद शातिर लड़के ने अपने पिता को मारा, हत्या के आरोप में भाई को जेल भिजवाया और उसके बाद माँ और भाभी की जान लेने की भी कोशिश। असंतुलित दिखने का नाटक करने वाला ये शातिर हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आया। घर के जिस सदस्य को उसकी दिमागी हालत की वजह से लोग मासूम समझते रहे, वो निकला कुंठा से भरा एक खतरनाक हत्यारा। इसीलिए कहते हैं व्यवहार को परखिए, खासकर तब जब वो तेजी से बदल रहा हो। जमीन जायदाद माँ बाप और परिवार से बड़ी संपत्ति नहीं है, महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, रुपया नहीं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।